हेलो एवरीवन, तो देख सकते हैं आज हमारे पास है स्टार ब्रांड का स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर है। ये एक हाइजीनिक प्रेशर कुकर है जो कि कंप्लीट स्टेनलेस स्टील से बना है। इसमें आप स्क्रू से लगाकर सेफ्टी वॉल, विजल, वेंट ट्यूब जो भी होता है पार्ट्स भी स्टेनलेस स्टील के यूज़ किए हुए हैं। बाकी ब्रांड में आपको जो है एल्यूमिनियम के नट्स वगैरह मिल जाएंगे या सेफ्टी वॉल एल्यूमिनियम का मिल जाएगा। इसमें कंप्लीट स्टेनलेस स्टील यानी कि हाइजीनिक कुकर है। ये यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया इज फर्स्ट स्टेनलेस स्टील थ्री प्लाई कुकर जो कि स्टाल ब्रांड ने ही लॉन्च किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एस्प्रेस कुकर, इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर। तो चलिए इसको खोलते हैं, बताते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। पैकेजिंग की बात करूँ तो काफ़ी शानदार इसमें जो है पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी। एंड फाइनली हमारे को नीचे की तरफ मिल जाता है एक प्रेशर कुकर का बॉडी जो कि 1 लीटर कैपेसिटी का है। तो चलिए सभी को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं बॉक्स को अनबॉक्स कर लिया, हमारे पास मिला एक वारंटी कार्ड। देख सकते हैं ये है वारंटी कार्ड जिसमें कंपनी की ओर से 5 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है। यहाँ पे वारंटी को आप रजिस्टर कर सकते हैं स्कैन करके। एंड ये यूजर मैनुअल, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे क्लीन करना है, पूरा जो है इसमें दिया हुआ है जो कि आप पूरा जो है पेज जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक साइड हिंदी में, एक साइड जो है इंग्लिश में लिखा है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में एंड बात करते हैं प्रेशर कुकर के बारे में। ये एकदम छोटा प्रेशर कुकर है, दिखने में काफ़ी सुंदर एंड काफ़ी स्टाइलिश एंड काफ़ी मजबूत प्रेशर कुकर है। एंड ब्रांड की बात करूँ तो मैंने बताया स्टाल ब्रांड का ये। एंड ये कंप्लीट थ्री प्लाई मटेरियल से बना है। इसमें 3 लेयर यूज़ की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो इनसाइड वाली जो लेयर होती है वो फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील यूज़ किया हुआ है, 304 ग्रेड, आप देख सकते हैं 304 ग्रेड। उसके बाद में सेंटर में एक और लेयर यूज़ की हुई है जो कि एक्सपर्ट हीट मटेरियल जो यूज़ किया हुआ है जो कि एक्सप्रेस हीट चारों तरफ से एक समान हीट करेगा वो मटेरियल यूज़ करवा। उसके बाद में सबसे नीचे जो यूज़ किया हुआ है 430 ग्रेड ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील यूज़ किया हुआ है जिसमें आप इसको गैस इंडक्शन में आप बड़े आराम से जो है यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव में वगैरह। एंड ये कम्प्लीट कुकर है जो डिशवाशर सेफ, आप डिशवाशर में इसको जो है क्लीन वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया है एंड हैवी भी है। इसमें खाना वगैरह स्टिक नहीं होता है, एक्सप्रेस हीट होता है यानी कि चारों तरफ से एक समान हीट होता है, इवन इसमें कुक होता है। एंड ये सेफ़ फॉर फूड, फूड के लिए भी सेफ़ है। एंड इसमें आप लेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हाइजीनिक कुकर है, हेल्थ के लिए भी बढ़िया है क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अगर कुकिंग वगैरह करते हैं, कुछ भी फ्राइंग भी करते हैं तो लेस कुकिंग भी इसमें जो है ऑयल कर सकते हैं आप। एंड हीट रिटेन होता है इसमें एंड स्पिल प्रूफ है ये। आप जैसे ही यहाँ पे किसी बॉल में वगैरह लेंगे तो ये स्पिल गिरेगा वगैरह नहीं, स्पिल प्रूफ है एंड इजी टू क्लीन हो जाता है क्योंकि स्टेनलेस स्टील कुकर आप कोई भी ब्रांड का रहते हैं तो क्लीनिंग काफ़ी इजी हो जाता है। एंड ये छोटा कुकर है, इसमें और भी साइजेस आपको मिल जाते हैं। अब करते हैं स्टेनलेस स्टील के बारे में कि कम्प्लीट स्टेनलेस स्टील है। एंड देख सकते हैं ये जो स्टील यूज़ किया हुआ है कंप्लीट आपको स्टेनलेस स्टील मटेरियल का यूज़ किया हुआ है। इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेफ्टी वॉल होता है वो भी आपको कंप्लीट स्टेनलेस स्टील का ही देखने को मिलेगा जो कि आप किसी भी अदर ब्रांड में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 90% जो है एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। तो ये जो स्टेनलेस स्टील का सेफ्टी वॉल यूज़ किया हुआ है जो कि हाइजीनिक है, हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सेफ्टी प्लग के साथ जो वेंट ट्यूब बोलते हैं इसको, एंड ये भी जो इसका नट होता है ज़्यादातर 99% में एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। सिर्फ स्टाल ब्रांड में जो है स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है एंड हेल्थ के लिए काफ़ी बढ़िया है। एंड ये जो वेंट ट्यूब है ये भी आपको स्टेनलेस स्टील के देखने को मिलेगी एंड विजल भी आपको स्टील की है जो कि कंप्लीट इसमें जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है ऑलमोस्ट स्टेनलेस स्टील मटेरियल का ही यूज़ किया हुआ है। एंड गैस्केट की बात करूँ तो इसमें सिलिकॉन की गैस्केट मिल जाएगी जिसकी लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा है, जबकि सिलिकॉन जो गैस्केट होती है वो आप आराम से 2 से 3 ईयर्स आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड हैंडल की बात करूँ तो हैंडल देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। एंड इसमें स्क्रू भी आप देख सकते हैं इवन स्टेनलेस स्टील के यूज़ किए हुए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हैं। एंड ये नीचे वाला हैंडल है, नीचे वाले में आपको सिंगल स्क्रू हैंडल देखने को मिलेगा एंड स्टेनलेस स्टील की जो है यहाँ पर पट्टी देखने को मिलेगी जो कि फ्लेम गार्ड, ऑलवेज स्टेनलेस स्टील का यूज़ कुकर जो भी आप यूज़ कर सकते हैं 1 लीटर से 3 लीटर तक ऑलवेज सिम में यूज़ करना है यानी कि लो फ्लेम में यूज़ करना है क्योंकि आप बड़ा कुकर तो कर सकते हैं लेकिन छोटा कुकर नहीं करना है, हैंडल भी ख़राब होता है, खाना स्टिक होने का संभावना रहता है या और ये जो कुकर होता है वो ड्राई हीट नहीं करना है यानी कि डायरेक्ट आप गैस पे नहीं चढ़ाना है, कुछ भी कुछ डाल के आपको जो कि कुकिंग करना है। आप नीचे बॉटम की बात कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं इंडक्शन फ्रेंडली यानी कि गैस स्टोव में यूज़ कर सकते हैं, डिशवाशर सेफ है, कैपेसिटी 1 लै, स्टाल ब्रांड है, एक्सप्रेस कुकर, बॉडी जो है 3 प्लाई का है, लिड SS304 ग्रिड का मटेरियल यूज़ किया हुआ है, ISC मार्क देखने को मिलेगा,
और भी इसका जो सीरियल नंबर वगैरह देखने को मिलेगा। बाहर की फिनिशिंग की बात करूँ तो इसमें मिरर फिनिश देखने को मिलेगी। अंदर की तरफ फिनिशिंग की बात करूँ इसमें जो है मैट फिनिश देखने को मिल जाएगी। एक बार इसकी फिनिशिंग क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी शानदार है। एंड लिड के ऊपर आप देख सकते हैं जो है क्या क्या लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। एंड हैंडल के ऊपर भी आपको स्टाइल की ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये प्राइस रिपोर्ट? अच्छा लगा हो वीडियो को कर दिए लाइक, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। अब करते हैं इसके प्राइस रेंज के बारे में। इसकी जो प्राइस रेंज होने वाली है आप देख सकते हैं 3180, आपको मार्केट में 15-20% का डिस्काउंट तक मिल जाएगा इसका स्टाल ब्रांड में। एंड इसका परचेज करना है तो परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।